जी पंजाब सरकार का जो लोक विरोधी फैसला आया है जिहड़ियां जोड़ियां नहरां नूं पक्कियां कीतियां जा रहे है उहदे विरुद्ध मीटिंग मुहिम चल रही हैगी है जी। पहलां गुरद्वारा साहब ग्रीन एवेन्यू हुई, उस तो बाद पंचवटी मंदिर दे विच कल शहर निवासियों की मीटिंग हुई है, अज व्यापार मंडल, टीचर एसोसीएशन, पेंशन एसोसीएशन अपनियां होर जथेबंदियां अज शामिल हुई हैं जी, तो बहुत पॉजिटिव रिस्पोंस निकल के आया है। हुण इस तो बाद दो वड्डे प्रोग्राम दिते जा रहे हैं, एक तो दस्तखत मुहिम और एक शहर दे विच रोस मार्च। ये जिहड़े कोशिश कर रहे हैं भी दिवाली तो पहला हो जाए, दिवाली तो बाद एक वड्डी कॉल दी जाऊगी, चाहे सानूं कोई हाईवे घेरना पिया या किसी भी हद तक वड्डा संघर्ष लड़ना पिया, असीं लड़ांगे। ये जिहड़ियां जोड़ियां नहरां इन्हां नूं पक्कियां नहीं कीता जाएगा, ना बैड पक्के कीते जाणगे, ना जिहड़ियां साइडां उन्हां ते कंक्रीट कीता जाएगा जी। हाँ जी, विधायक साहब नूं मंग पत्र दिता सी, उन्होंने कहा जी अज ही फॉरवर्ड हो जाएगा, इन्हां दा पॉजिटिव रिस्पोंस आपां नूं जल्दी मिल जूगा, पर हले तक सानूं कोई पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं मिलिया। असीं आपदी जिहड़ी है कल्ले MLA साहब नूं नहीं, प्रशासन नूं, DC मैडम नूं भी दे चुके हैं, सोसाइटियां वालों उन्हां दे नुमाइंदे SDM मैडम नूं भी दे चुके हैं, पर हजे तक सानूं कोई उहदा पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं मिलिया। अगली रणनीति ये है जी, सारा शहर एक झंडे जल जीवन बचाओ मोर्चा दे अंडर एकता दे विच खड़ा होया है, और असी हर तरह का संघर्ष लड़ने लई तैयार है, नहरां पक्कियां नहीं कीतियां जाणगियां। मैं दविंदर सिंह, पंजाब मोटर्स NGO बाबा फरीद साहब जी की मुकद्दस धरती ते रहण दा सानूं सुभाग प्राप्त होया। सरकारां दीआं कुछ गलत नीतियां दे कारण फरीदकोट शहर विच्चों जो जौड़ियां नहरां सरहंद फीडर ते राजस्थान नहरां निकलदियां ने, इन्हां नहरां नूं पक्कियां करन वास्ते जो तजवीज़ आई है साढ़े सामने, उहदे विच नहरां नूं कंक्रीट थल्ले पा के फिर एक फाइबर शीट ते फिर कंक्रीट पा के पक्का कीता जा रहा है। ये पक्का करन दे नाल जिहड़ा पानी सिमणों बिल्कुल बंद हो जूगा, ये पानियां कारपोरेट घराणियां नूं ये पानी दिता जा रहा पक्कियां नहरां करके। जैसलमेर दे विच जो फैक्ट्री लगी है बहुत वड्डी लगन जा रही है, उहदे विच पानी दिता जा रहा, साढ़े तो पानी खोया जा रहा। मैं अपील करूँगा फरीदकोट वासियों नूं भी, सरकारां नूं भी अपील करूँगा भी बाबा फरीद साहब जी नगरी जिहड़ी है ये नहर दे कंढे ते वसी हुई है। फरीदकोट शहर दा जिहड़ा पानी है वह इन्ना कु खारा है भी इस शहर दे कई थावां दे उपर 3500 ते 4000 दे करीब TDS है, जिहड़ा कि पानी साढ़े पीण दे योग नहीं है, ना कपड़े धोण दे योग है, ना नहाउण दे योग है। सानूं बड़ी वड्डी समस्या पानी दी, पहला पानी जीव है जिस हरिया सुख होए, पानी साढ़े वास्ते सब तो नियामत चीज़ है। जे साडियां ये नहरां पक्कियां हो जांदियां ने, नहर दे कंढे उपर फरीदकोट शहर नूं पानी देण वास्ते वाटर वर्क्स विभाग वालों बहुत वड्डे पंप ला के वाटर वर्क्स नूं पानी दिता जा रहा है। बहुत ज़्यादा दानवी सज्जनां ने नहर दे उपर नलके लाए ने, और बहुत ज़्यादा साडियां जिहड़ियां कलोनियां ने इत्थे बोर करके इहदा पानी जिहड़ा है वह कलोनियां नूं दिता जाता है पंपिंग करके। सो मैं अपील करूँगा सरकारां नूं भी ये इस तरह के काम ना करन, भी साडा पानी खोह के अगे दिता जाए। जिहड़ा पानी धरती सिमदा सीगा कुदरती सोमे दे कारण पानी सिमदा सीगा, वह पानी सिमणों जदों बंद हो गया तो साडे शहर का सारा पानी जिहड़ा है ये खारा हो जाऊगा। असी इस संबंध में माननयोग DC साहब नूं भी, MLA साहब नूं भी, फरीदकोट के MLA सरदार गुरदित सिंह सेखों जी, साडे विधानसभा के स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवा जी, और इस विभाग नाल संबंधित SC साहब, SDO साहब, उन्होंने सारा मंग पत्र दे चुके हैं भी तुसीं इस दे उत्ते गौर फरमाओ। भारती किसान यूनियन लखोवाल जिला प्रधान फरीदकोट पिंड हरगी वाला, अज साडी जिहड़ी मीटिंग रखी सी जल बचाओ जीवन बचाओ जिहड़ी मुहिम है शुरू हो चुकी है, क्योंकि सारे ही इलाके फरीदकोट दे नूं ते आस पास के जिन्हें भी पिंड आ उन्हां नूं पता लग चुका है कि ये जो टेंडर है जिहड़े नहरां दे विच करीन पा रहे हैं उन्होंने
पक्कियां कर रहे थले तो लैके थला भी तो पासा ही वह जो आम लोगों को पता लग्या वो बहुत ही जाके पिंडां दे विच भी रौला पै चुके कि साडा जिहड़ा पानी जे थले चल गया हुण तां साडा जिहड़ा पानी साढ़े 10-15 फुट से हैगा साडा 40 फुट से बोर हो जूगा तो जे इहदे च इह पाया गया तो साडा पानी नीवां चलिया जाऊगा। इस करके सारे लोगों का बहुत रोस है। वो अज साडी बहुत ही वड्डी जिहड़ी आ मीटिंग हो गई है। मीटिंग दे विच इह प्रोग्राम लीक के थोड़े दिनों दे विच सरकार दे वार खिलाफ जिहड़ा मोर्चा विढ़ा जूगा। जे सरकार इहदा जिहड़ा टेंडर करे है नोट कढे है अपना नोटिफिकेशन करे है उन्होंने वापस लेंदी है तो बहुत ही वधिया गल है। जे नहीं लिया तो वो इन्नी में तकड़ी वड्डी होगी उन्होंने वापस लेना पेगा। यह लोगों की मजबूरी है ता करके कोई किसी का जी नहीं करता। जे पानी नहीं तो जीवन की है जीवन का करके लोगों की बहुत वड्डी महिमा है तो उन्होंने वापस लोग करा के हटेंगे। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो अच्छी देन दे पसंद हाँ और इनू कंटिन्यूटी देने की लड़ है नहीं है। दूसरी उसके बाद से लगातार मैं ये गल कहूँगा दूसरी मोर्चा जो है मोर्चा ही तेज हो गया मोर्चा ही क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लगता है कि सारे लोग मोर्चा चल रही है। दूसरी गल ये इनू जो भी जो कमेटी के मैंबर साहबान के समय समय से अच्छी जो अगली जो है आपकी जो प्रोग्राम है वो सारे कन्वे करना जरूरी है मस्ट भी है। तुम आने मैं तो दस दिन दिया मैं आप देखी देखा जो हाँ जी प्रधान जी अज जो जल बचाओ जीवन बचाओ मोर्चा वालों एक मीटिंग रखी गई थी देखो सिट्टा यही है भी जिहड़ा जिंदगी का सवाल हैगा लोगों की जिहड़ा पानी का सवाल हैगा जो सरकारां गलत नीतियां ते चलियां हुई नहरां नूं पक्कियां करके थले पॉलीथीन पाउणा उत्ते कंक्रीट बनाउणा सीमेंट का इस तरह लैंटर बना देना भी तुपका पानी का थले ना जाए लोगों नूं मारन का सिस्टम किया हुआ सरकार ने। सो उहदे विरोध दे विच जिहड़ा सारा शहर है वक् संस्थावां और वक् वक् साडियां जथेबंदियां जिहड़ियां हैगियां वो पहलां भी इकत्तर हुई सी अज फिर उसे ते मीटिंग रखी गई है। सो फैसला यह होया भी एक इहनूं किसी भी हालत दे विच जिहड़ा हैगा सरकार दा जो कम कर रहियां हैगियां उहनूं पूरा नहीं करन दित्ता जाएगा। जिथों तक सेम दा इलाका हैगा उत्थों तक नहीं रोका जाएगा क्योंकि उत्थे सेम दे कुछ लोगों के सवाल भी होंदे आ भी उत्थे सेम हैगी आ फसलां मर जांदियां ने चलो उत्थे उहनां दियां मजबूरियां हैगियां। अज भाई होर जिस तरह फरीदकोट दा इलाका जां होर इलाके हैगे जिथे नहीं जां कोई सेम हैगी उत्थे हर थां इहदा रीचार्ज पॉइंट इस तां साडी तां मंग है जथेबंदियां दी कि रीचार्ज पॉइंट नहरां दे नाल बनाए जाण और जिस दे नाल पानी साडा ठीक रहे। पर सरकार पता नहीं की गल हैगी सगों वातावरण खराब करन ते तुली होई आ जो दरख्त किन्ने सारे कहिंदे पट देने एक पासे लोक इह दीआं खबरां लगाउंदे ने कि दरख्त लाए गए इन्ने बूटे लाए गए ने स्कूलों च वंडे गए ने धार्मिक संस्थावां ते वंडे गए ने एक पासे बूटे पट्टण दी गल कर रही है एक पासे फैक्ट्रियां ला ला के जिहड़ा जिस तरह जीरा दी फैक्ट्री हैगी आ थल्लों माहौल नूं खराब कर रही पानी नूं खराब कर रही एक पासे इत्थे बंद कर रही पानी ठीक ना हो सके। सो पता नहीं किहड़ियां नीतियां ते मारना चाहुंदी है सारे लोकां नूं की हैगा सिस्टम सरकारां दा पर जो अज तां सिट्टा इही निकला हैगा जिस तरह लोगों का उत्साह हैगा जो लोगों के बेचैनी हैगी भी असं नहीं होने देना साडा जो आने वाले बच्चों का भविख है वो खराब हो जाना। सो बहुत तकड़ा सिस्टम इतने बन रहा है सारा शहर नहीं सारा इलाका सारिया जथेबंदियां होगी किसी भी हाल के जो टेंडर होया 14 तरीक में इन्हों ये टेंडर इन्हों वापस ले लेना चाहिए अदरवाइज नहीं तो कि बहुत वड्डा प्रोग्राम लीक के जरा इस कमेटी कोर कमेटी साड़ी इतने बननी हैगी है वड्डा प्रोग्राम दे के जो सरकार दे जो असं नासी धूं दे देंगे क्योंकि सब मोर्चे लगने लोगों को हूँ पता है लोग सब समझते हैं और जो अगर दिल्ली का मोर्चा जथेबंदियां जिस तरह जित गई उन्होंने सारे लोगों ने देखा है कि बहुत व्डे व्डे काम जो कहते नामुमकिन होंगे है वो मुमकिन बन जाते हैं। सो ये तो बहुत छोटा काम जो नहर का है सरकार को सोच लेना चाहिए। मैं हरपाल सिंह मचाकी आल इंडिया जिला किसान सभा का प्रधान हाँ अज जो प्रोग्राम है जल बचाऊ मोर्चे के संबंध में इकट्ठ होया सारे लोगों की सारे इलाके की मंग आ भी इतने जरा जो कंक्रीट वगैरह पाना बहुत माड़ी गल आ क्योंकि लोग पेल ही बहुत ज़्यादा पीड़ित आ लोग इतों जोड़ा पानी आ पीण वाला नहर के करके इतों शुद्ध आ जेकर योजा हों जे लोगों पानी की बहुत मुश्किल आऊगी। इस करके अज सारिया ही जिन्या तमाम जथेबंदियां फरीदकोट जिले दियाँ किसान जथेबंदियां ने एक इस रोकण का सरकार नूं कहा भी जे तुसीं टेंडर भी किए तो इनू वापस करो क्योंकि लोगों का यह जीवन मरण का यह मसला इस करके सारिया किसान जथेबंदियां और जिन्या भी जथेबंदियां फरीदकोट जिले दियाँ वो ये जिहड़ा कारो कर रहे हैं सरकार इनू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनगियां भावें जिन्ना मर्जी भी वड्डे तो वड्डा मोर्चा लाउणा पवे। सो इस करके असीं लोगों सारयां नूं अपील करदे हां
भी ये जिहड़ा नहरां नूं पक्का करन दा दरख्त वढ़न दा जिहड़ा सरकार कर रही आ इहनूं रोकण वास्ते सारे लोकां नूं अगे आउणा चाहीदा। इस वीडियो नूं अगे शेयर जरूर करना जी। कृपा करके साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो जी। हुण तुसी फास्ट एंड यूज पंजाब दी ऐप प्ले स्टोर तो इंस्टॉल करके नवीआं अते ताज़ा खबरां पढ़ अते देख सकदे हो। धन्यवाद।